विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। विज्ञान के पास अभी तक कोई ऐसी तरकीब नहीं है जिससे जीवन को सदा के लिए बनाए रखा जा सके, लेकिन विज्ञान आपको मृत्यु के बाद एक चमकीले हीरे में बदल सकता है जिससे आप सदा अपनों के पास ही रह सकेंगे। प्राकृतिक हीरे को बनने में एक करीब एक महीना लगता है। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 150 मील नीचे मेंटल सतह में अत्यधिक उच्च दाब और ताप के प्रभाव में बनता है। लाखों वर्ष पश्चात पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखीय विस्फोट के परिणाम स्वरूप ये हीरा बाहर आता है। मनुष्यों द्वारा खनन प्रक्रिया में यह हीरा अलग किया जाता है और तराशे जाने के बाद बेशकीमती हो जाता है। सन 1954 में जनरल इलेक्ट्रिक पहली कंपनी थी जिसने पृथ्वी के गर्भ में हीरा बनने की प्रक्रिया को अपने प्रयोगशाला में दोहराया और वैसे ही अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर मौलिक कार्बन से हीरे का निर्माण किया। मनुष्य निर्मित यह हीरा व्यावसायिक तौर पर बाजार में 1980 में उपलब्ध हुआ। हाल ही में कुछ कंपनियों ने शमशान की राख को हीरा में बदलने की प्रक्रिया शुरू की है। यह हीरा दिवंगत की राख हुए शरीर से तैयार किया जाता है ताकि उसका परिवार उसे सदा अपने पास रख सके। इस प्रक्रिया के पीछे वही विज्ञान है जो कृत्रिम हीरे में प्रयोग में लाया जाता है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य का शरीर चार तत्वों का बना होता है, वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। इनमें से पहले तीन गैसीय प्रवृत्ति के हैं जो उड़ जाते हैं, इसलिए शमशान की राख में भारी मात्रा में कार्बन होता है। इस कार्बन को परिशुद्ध कर मौलिक स्वरूप दिया जाता है। इसके बाद मौलिक कार्बन को प्रयोगशाला में दो सतहों के बीच अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर दबाया जाता है जिससे वो एक हीरे के टुकड़े के चारों तरफ क्रिस्टलाइज हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे सीप के बालू के कड़ों के चारों तरफ मोती की सतहें इकट्ठा हो जाती हैं। किसी प्रियजन के गुजर जाने के बाद शमशान की राख से तैयार हीरे को कंपनियां आपका मनचाहा आकार, स्वरूप और रंग दे सकती हैं। पीला हीरा तैयार करने के लिए थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन मिलाया जाता है। वहीं रंगहीन हीरे के लिए प्रयोगशाला में ये सुनिश्चित किया जाता है कि हवा में नाइट्रोजन का अंश मात्र भर भी हीरे के इंक्यूबेटर में प्रवेश न करे। नीले रंग का हीरा बोरोन मिलाने से बनता है, वहीं लाल, हरा और काले रंग का हीरा विकिरण प्रक्रिया से बनाया जाता है। विकिरण प्रक्रिया से तराशे गए हीरे की सतह से प्रकाश के प्रवर्तन को बदला जाता है। 3 सप्ताह की विकिरण प्रक्रिया से लालिमा युक्त हीरा तैयार होता है, वहीं 2 महीने की विकिरण प्रक्रिया से काले रंग का हीरा तैयार होता है। विज्ञान के इस खोज से आप अपनों को हीरे के रूप में वाकई सदा के लिए पास रख सकते हैं।